देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। विधानसभा की कुर्सी से पहले मतगणना कक्ष की कुर्सी के लिए जमकर बोली लग रही है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने गणना अभिकर्ताओं की कुर्सी बेचकर चुनाव के अंतिम पड़ाव पर अपनी जेब भरने का काम किया है। उन्होंने अपने एक एक गणना अभिकर्ता की कुर्सी 1.5 से 2 हजार रुपए में बेची है। गणना अभिकर्ताओं की कुर्सी खरीदने में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी सबसे आगे रहे। अब मतगणना कक्ष में हर विधानसभा के लिए 14 टेबल लगेंगी। हर टेबल में उस विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के एक के गणना अभिकर्ता बैठ सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना राजधानी के सेज बाहर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 11 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर भी मतगणना कक्ष में मौजूद रहेंगे। सामान्य प्रेक्षक के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए विभिन्न केंद्रीय बैंकों और केंद्रीय विद्यालय के अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हर एक टेबल पर एक एक माइक्रो ऑब्जर्वर को गणना सुपरवाइजर और गणना सहायक के साथ बैठना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ टेक्निकल एजुकेशन नियम 2002 के तहत 3 साल की संविदा पर नियुक्त होने के बाद से प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सालों से काम करने वाले 79 सहायक प्राध्यापकों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी प्रस्तुत करने के 3 महीने के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। माँ की मौत हो जाने के बाद से ही अकेली रह रही किशोरी के साथ उसके सगे जीजा ने अपने साथियों के संग मिलकर 10 दिनों तक गैंगरेप किया। घटना के बाद आरोपी उसे दुर्ग स्टेशन में अकेला छोड़कर भाग गया। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई। नाबालिग अब प्रेग्नेंट हो गई है, फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दलों के नेता सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के परिणाम को लेकर एग्जिट पोल बटे हुए हैं। आधे कांग्रेस तो आधे भाजपा की सरकार बना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता उन एग्जिट पोल को सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं भाजपा नेता भी अपनी सरकार बनाने वाले एग्जिट पोल को पोस्ट करके प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जीत हार के दावों के बीच सोशल मीडिया में नेताओं के बीच जमकर भिड़ंत हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे मंगलवार को आएंगे। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सत्ता गई तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल कांग्रेस इस ताक में है कि उसकी सरकार बनी तो राज्य के चर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, आर्थिक अपराध शाखा और CBI से कराएंगी। इस मामले में सामने आई एक डायरी ने कांग्रेस को भाजपा पर हमला बोलने का और मौका भी दे दिया है। पार्टी के मुताबिक डायरी में मुख्यमंत्री और उनके परिजन सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम कोड वर्ड में अंकित हैं। इस मामले में कई महीने बाद खासकर चुनाव के दौरान जांच एजेंसियां कुछ बड़े नौकरशाह के खिलाफ सक्रिय हुई हैं। एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में 15 साल से निराश कांग्रेस में एक उत्साह भर दिया है। वहीं संभावित नतीजों को देखते हुए पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार दिल्ली में जोड़ तोड़ करने पहुंच गए हैं। इसमें PCC अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ताम्रध्वज शामिल हैं। इसके अलावा आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद भी दिल्ली पहुँच गए हैं। दिल्ली पहुंचे आला नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो ये थी छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए और चुनाव से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।